तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीप थिंकर में। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद। इंडियन प्रीमियर लीग का 2016 सीजन या सीजन 9, इसे वीवो ने स्पॉन्सरशिप किया था, इसलिए इसे वीवो आईपीएल 2016 कहा जाने लगा। इसकी शुरुआत 9 अप्रैल 2016 से 29 मई 2016 तक चली। 2016 का सीजन आईपीएल में एलईडी स्टंप का इस्तेमाल किया गया था। स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी कांड को लेकर 2 साल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के निलंबन के बाद 2 नई टीम की स्थापना हुई, जो है गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। चैंपियनशिप को सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत लिया। पेन कटिंग मैन ऑफ द मैच विराट कोहली टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बने। ऑरेंज कैप का खिताब भी उन्होंने जीता। भुवनेश्वर कुमार को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहे मुस्तफिजुर रहमान। पहला मैच 9 अप्रैल 2016 को वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। यह मैच मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच हुआ, जिसमें राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने 9 विकेट से जीत हासिल की। क्वालिफायर 1 24 मई 2016 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में यह मैच आयोजित हुआ। यह मैच गुजरात लायंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हुआ, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 4 विकेट से जीत हासिल की। एलिमिनेटर 25 मई 2016 को फिरोज शाह कोटला दिल्ली में यह मैच आयोजित किया गया। यह मैच सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच हुआ, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 22 रन से जीत हासिल की। क्वालिफायर 2 27 मई 2016 को फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हुआ। यह मैच गुजरात लायंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट से जीत हासिल की। फाइनल 29 मई 2016 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में यह मैच आयोजित किया गया। यह मैच सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हुआ, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 रन से जीत हासिल की। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।